रावत जी, झाकड़ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता एमपीज, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कुछ दिन से हमारी ये यात्रा चल रही है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, 6 साल से ये सरकार गरीबों पर, कमजोर लोगों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छोटे व्यापारियों पर आक्रमण कर रही है। पिछले 6 साल इन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर अरबपतियों के लिए किया। मुझे याद है, कुछ साल हुए भट्टा परसौल में कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलकर आपकी जमीन के लिए लड़े थे। उससे पहले अंग्रेजों का कानून था, आपकी जमीन आसानी से छीनी ली जाती थी, सही रेट नहीं मिलता था, कानून के बाद मार्केट रेट से 4 गुना आपको मिलता है। बहुत किसानों का फायदा हुआ। मेरे ऊपर आक्रमण हुआ, प्रेस के जो मित्र हैं इन्होंने रोज मेरे पर आक्रमण किया। हमने आपकी जमीन बचाने का काम किया था। नरेंद्र मोदी आते हैं पार्लियामेंट में, उनका पहला काम उस कानून को खत्म करने का, रद्द करने का। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमने कहा हम नहीं करने देंगे। नरेंद्र मोदी जी अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहते हैं, लोकसभा राज्यसभा में ये हम बदल नहीं सकते, इसको आप स्टेट में बदल दीजिए। और बीजेपी के सब राज्यों ने एक के बाद एक जो हमारा नया कानून था उसको स्टेट में खत्म किया। फिर अचानक एक दिन 8 बजे रात को नरेंद्र मोदी कहते हैं 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करना चाहता हूं। काले धन के खिलाफ लड़ाई, आप सब बैंक के सामने खड़े हुए, शायद यहां कोई ऐसा नहीं होगा जो बैंक के सामने नहीं खड़ा था। मैं आपसे पूछता हूं, बैंक के सामने आपने अंबानी को देखा, अदानी को खड़े होते हुए देखा, हिंदुस्तान के अरबपति देखे ना, किसान दिखे, मजदूर दिखे, छोटे दुकानदार दिखे, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, महिलाएं, माताएं, बहनें, युवा सब दिखे, मगर अरबपति नहीं दिखे। क्या उनके पास पैसा नहीं था, बदलने की कोई जरूरत नहीं थी? क्या इस देश में सिर्फ पैसा गरीबों के पास था? नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब से पैसा निकाला, आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, फिर आपके जेब में से पैसा निकाला, लाखों करोड़ रुपए आपने बैंक में डाला, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने उन्हीं अरबपतियों का कर्जा माफ कर दिया। 3,50,000 करोड़ रुपए उन लोगों का कर्जा माफ हुआ है। हम चिल्लाते रह गए किसानों का कर्जा माफ करो, कुछ नहीं। कर्जा माफ होगा तो उनका होगा, किसान मर जाए, दब जाए, मिट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जीएसटी, कहते हैं एक टैक्स होगा,
एक देश एक टैक्स, 12 बजे रात को 5 टैक्स, 28% तक टैक्स, छोटे बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, दुकानदार, सब खत्म हो गया। आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, जीएसटी से क्या हुआ बताएगा, हमें खत्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी रास्ता साफ कर रहे हैं। किसके लिए रास्ता साफ कर रहे हैं? अंबानी और अदानी के लिए, हिंदुस्तान के चुने हुए अरबपतियों के लिए। कोविड होता है, हर घर में लोग घबराए हुए हैं, कोई बीमार हो रहा है, और नरेंद्र मोदी बीमारी के बीच ये 3 नए कानून लाते हैं। जल्दी क्या थी? 6 महीने बाद क्यों नहीं, 1 साल बाद क्यों नहीं? मैं बताता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि कोविड के समय हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, यूपी का किसान, राजस्थान, मध्य प्रदेश का किसान खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, इसलिए कोविड के समय आपको कुल्हाड़ी मारी। मगर इनको हरियाणा, पंजाब, हिंदुस्तान के किसान की शक्ति नहीं मालूम, इनको यह नहीं मालूम कि यह किसान दबने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, ये मर जाएगा मगर अपने हक के लिए लड़ जाएगा। फिर कहते हैं किसानों को आजादी दी, किसान के हित में कानून बनाया। अच्छा, अगर यह कानून किसान के हित में था तो पार्लियामेंट में आपने डिबेट क्यों नहीं की? पार्लियामेंट में आपने विपक्ष को बोलने क्यों नहीं दिया? बिना कोई बातचीत आपने यह कानून क्यों पास किया? यह सिस्टम है भाई और बहनों, चाहे वो एमएसपी हो, फूड कॉरपोरेशन हो, प्रोक्योरमेंट का सिस्टम हो, मंडियों का सिस्टम हो, ये एक सिस्टम है, इससे आपकी रक्षा होती है। इस पूरे के पूरे ढांचे से आपको सही दाम मिलता है। ढांचे में कमी है, इस बात को मैं मानता हूं, अमरिंदर सिंह जी भी मानेंगे, सब मानेंगे। जितनी मंडियां होनी चाहिए उतनी नहीं है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, साइलो, सड़कें होनी चाहिए वो नहीं है। सिस्टम को मजबूत करना है। आज हिंदुस्तान में 40 किलोमीटर के अंदर एक मंडी होती है। हमने मैनिफेस्टो में लिखा था हर 4 किलोमीटर में हम एक मंडी लगाएंगे। मगर नरेंद्र मोदी पूरे के पूरे ढांचे को खत्म कर रहे हैं, कहते मंडियों की कोई जरूरत नहीं। हजारों मंडी है हिंदुस्तान में, हर मंडी में किसान, मजदूर, लोडर, व्यापारी काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान को देखें तो लाखों लोग काम करते हैं। मंडियां बंद हो जाएंगी तो इनका क्या होगा, ये कहां जाएंगे? अंबानी अदानी तो पूरे के पूरे मामले को मैकेनाइज कर देंगे, मशीनों से काम निकालेंगे। तो ये जो लोग मंडियां में काम करते हैं, लाखों लोग, ये सब के सब बेरोजगार होंगे। मोदी जी कहते हैं मैं इनको आजादी दे रहा हूं। अच्छा, यहां हम सड़क पे आए, ये सड़क कौन बनाता है, कौन से पैसे से बनती है? ये क्या अंबानी ने बनाई क्या, ये अदानी ने बनाई क्या? नहीं, ये मंडी टैक्स से बने। मंडी टैक्स से जो आप पैसा देते हो वो सड़क बनाता है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान अब कहीं भी अपना माल बेच सकता है।
अरे भाई सड़क नहीं होगी तो कहां जाएगा किसान, कैसे जाएगा किसान? सड़क बनी मंडी टैक्स से, मंडी टैक्स आपने खत्म कर दिया, सड़क को आपने खत्म कर दिया, और फिर आप कहते हो किसान जहां भी जाना चाहे जा सकता है। गलतफहमी है नरेंद्र मोदी को, उन्होंने कुछ दिन पहले 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे, 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज प्रधानमंत्री ने खरीदे अपने चढ़ने के लिए। उधर चाइना घुसा है, हमारे सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, और इधर हमारा प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदता है। उनको लगता है कि जहां भी जाना हो जा सकते हैं। यह आपकी लड़ाई है, और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके बता रहा हूं। देखिए, फरवरी में मैंने बता दिया था कि कोरोना से हिंदुस्तान को जबरदस्त नुकसान होने वाला है, अर्थव्यवस्था नष्ट होने वाली है। नरेंद्र मोदी ने मेरा मजाक उड़ाया, बीजेपी के सब लोगों ने मजाक उड़ाया। 6 महीने बाद आपने देखा क्या हुआ, मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर ये कानून लागू हो गए, अगर ये कानून लागू हो गए, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर गुलाम बन जाएगा। किसका? अंबानी का, अदानी का। 1-2 साल में जो आपकी जमीन है वो आपकी नहीं रहेगी, वो भी इनकी हो जाएगी। मानना नहीं है मानिए मत, सुनने की कोई जरूरत नहीं, मगर याद रखना, अमरिंदर सिंह जी, राहुल गांधी आए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जमीन जाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य जाएगा। सही कहा था। एक्शन लेने का समय अभी है भाई और बहनों। अगर आप 6 महीने 1 साल रुक गए फिर कोई फायदा नहीं होगा, और नुकसान सिर्फ किसान को नहीं, नुकसान सिर्फ खेत मजदूर को नहीं, छोटे व्यापारी को नहीं। लोग सोचते हैं हमारा कुछ नहीं जाएगा, बाकी लोग सोचते हैं ठीक है, किसान खत्म हो गया तो क्या होगा, मजदूर खत्म हो गया तो क्या होगा, मगर वो बात नहीं समझते। जो भोजन वो खाते हैं, जो रोटी वो खाते हैं, जो दाल वो खाते हैं, वो आप लोग दिलवाते हो। अगर आप खत्म हो गए तो हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई, अगर हिंदुस्तान की फूड सिक्योरिटी खत्म हो गई तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक बार फिर गुलाम हो जाएगा। तो ये लड़ाई सिर्फ पंजाब की नहीं, ये लड़ाई सिर्फ किसानों और मजदूरों की नहीं, ये हिंदुस्तान की लड़ाई। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जानते हो कि इन 3 कानून के पीछे क्या सोच। आज कोई मुश्किल होती है, आप मंडी में जाते हो, जाकर जी ने कहा आपको, वहां पे अलग अलग व्यापारी मिलते हैं, एक अच्छा नहीं लगा तो दूसरे से बात कर ली, किसी ने आपको ठगा, आपको सही पैसा नहीं दिया, आप पुलिस के पास जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा सकते हो, मंडी के पास, घर के पास। इन कानूनों के बाद आपके सामने कोई छोटा व्यापारी नहीं होगा, बातचीत होगी तो अंबानी जी और अदानी जी से होगी, वो गुजरात में होंगे, अपने हवाई जहाज में होंगे, ना आपका कानून चलेगा, ना एडमिनिस्ट्रेशन आपकी मदद कर पाएगा। जो वो चाहेंगे वो करेंगे, जो दाम वो आपको देना चाहेंगे वो देंगे। यह है नरेंद्र मोदी की आजादी।
और दो तीन साल जब आपको सही दाम नहीं मिलेगा आपकी जमीन चली जाएगी, और फिर वो उस पे मॉल बनाएंगे, फ्लैट्स बनाएंगे, मगर आप ना उस मॉल में जा पाओगे ना आप उन फ्लैट्स में रह पाओगे। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। इसलिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, महाराष्ट्र, सब जगह आपके साथ खड़ी है। और मैं आपको यहां गारंटी देने आया हूं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये जो तीन कानून नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं, इनको हम फाड़ के फेंक दें। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। ज्योतिष आर के शास्त्री रूहानी ते काले इलम दे माहिर, 72 घंटिया विच घर बैठे हर तरह दा समाधान, वशीकरण करना जा तोड़ना, प्यार विच धोखा, लव मैरिज, पति पत्नी विच अणबन, सौतन दुश्मन दा नाश, धोखा खादे लोग सानू एक बार जरूर फोन कर 8168 13 896 8168 13 896।